अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अच्छा, आज मैंने सोचा कि वैसे तो मैं जो सोशल लाइफ है यहाँ की वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करता हूँ वक्तन फवक्तन, लेकिन कुछ हेल्थ के रिलेटेड जो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो भी आप लोगों से शेयर की जाएँ। मुझे आज एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना था, इसलिए मैं लैब के अंदर बैठा हूँ। और हमारी जो लैब है वो बेसिकली मेटाबोलोमिक्स पे फोकस करती है और इसको हेड कर रहे हैं प्रोफेसर योंग सुजोई। सो मेटाबोलोमिक्स एक बहुत ही छोटे छोटे कंपाउंड्स होते हैं बॉडी के अंदर जिनकी बेस पे हम डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं अर्ली स्टेजेस पे, और हम प्रिडक्शन भी करते हैं कि फ्यूचर में ये बंदा या इस बंदे को ये डिजीज़ हो सकती है। तो मैं वैसे तो जो साइंटिफिक टर्म है वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है, मे बी कुछ पर्सन को समझ ना आए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको बड़ा सिंपल वर्डिंग में इवन के पंजाबी में आप लोगों को समझा सकूं कि ये किस तरह से किस तरह का काम है और कैसे हम डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं बायोमार्कर की बेस पे। सो थोड़ा सा यहाँ पे शोर आ रहा है, हम दूसरी तरफ चलते हैं। डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो करंट प्रोजेक्ट है वो रिमाटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस पे फोकस कर रहा है। ये ऑस्टियो आर्थराइटिस और रिमाटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली ये बोन्स के डिजीज़ होती है जिसमें स्वेलिंग हो जाती है बोन के अंदर, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये पेन करती हैं, हड्डियाँ पेन करती हैं। तो इसके लेट स्टेज पे तो कुछ बायोमार्कर्स हैं लाइक ACP है, RF फैक्टर है, लेकिन अर्ली स्टेज पे इसके कोई बायोमार्कर अवेलेबल नहीं है, रिपोर्टेड नहीं है। तो हम अर्ली स्टेज पे कुछ बायोमार्कर फाइंड कर रहे हैं जिनकी बेस पे हम इसको इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट में ही डायग्नोज कर लें और इसको ट्रीट कर दें। अदरवाइज़ आपको पता है कि लेट स्टेज पे तो चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाती हैं तो मुश्किल हो जाता है। तो ये बेसिकली इस रेफ्रिजरेटर के अंदर ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है इसके अंदर हमारे सैंपल पड़े हुए हैं। ये प्रोजेक्ट पिछले 4 साल 5 साल से चल रहा है और इसको हमने -82 पे रखा हुआ है। इसके अंदर सीरम, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल पड़े हुए हैं 4-5 साल के, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इसके अंदर का व्यू। आप देख सकते हैं कि सारी बर्फ बनी हुई है। तो ये जो सैंपल हैं ये हमने सारे सीक्वेंस में स्टोर किए हुए हैं, ट्रे इसके अंदर लगी हुई हैं। तो हर ट्रे का के अंदर कुछ सैंपल्स रखे हुए हैं तो इनको लेबल किया हुआ है। तो आज हमने एक सैंपल परफॉर्म करना है इसके अंदर से पेशेंट का। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बायोमार्कर किस प्लाक का नाम है। आसान से अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा और सियासी अख्तलाफात से हट के, उसके बाद हम डिजीज़ पे बात करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज करते हैं मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान, ये तीनों बायोमार्कर हैं, ठीक है। और हमारी सोसाइटी के अंदर तीन बीमारियाँ हैं, एक है करप्शन, बेरोज़गारी और महंगाई। लेट्स सपोज करते हैं कि नवाज शरीफ आएगा तो करप्शन बढ़ेगी, जरदारी आएगा तो महंगाई बढ़ेगी, और दूसरा इमरान खान आएगा तो बेरोज़गारी बढ़ेगी। तो अब इन तीनों में से कोई भी आए मतलब तो बीमारी आपको एक बीमारी लग जाएगी, ठीक है। वो कोई इन तीनों को हमने बायोमार्कर कंसीडर किया है, इनमें से कोई भी आएगा तो एक बीमारी लगेगी। लेकिन इनके आने से पहले कुछ इंडिकेशंस होती हैं लाइक हमारे यहाँ कुछ एक्सटर्नल पावर्स भी हैं जो इंडिकेट करती हैं कि इस दफ़ा कौन सा बायोमार्कर सोसाइटी के अंदर उतरेगा, ठीक है। उससे आपको आइडिया हो जाता है, उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि वो किसको लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी मिसाल है बायोमार्कर की। तो अब हम डिजीज़ पे बात करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर सकते हैं, उनका पता चला सकते हैं, जैसा कि एथरोस्क्लेरोसिस है, हाइपरटेंशन है जिसको हम ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। इन बीमारियों को हम कोलेस्ट्रॉल की बुनियाद पर हम कैटेगराइज करते हैं कि एक नॉर्मल बंदे के अंदर, आदमी के अंदर जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर इससे ऊपर जाएगा तो हम कंसिडर करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इसको आने वाले वक्त में ब्लड प्रेशर का इशू होगा, इसको हार्ट अटैक के चांसेस इसके बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है अगर एक लिमिट से ज़्यादा होगा तो ये आपकी जो खून की नालियाँ, आर्टरीज वगैरह, इनके अंदर जमना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा वो नालियाँ नैरो हो जाएंगी, तंग होती जाएंगी। और जैसे नालियाँ तंग होंगी तो जो आपका हार्ट है उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा ब्लड को पुश करने में, सर्कुलेट कराने में पूरी बॉडी के अंदर। तो जिससे क्या होगा कि उसके जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, या ड्यू टू ऑक्सीजन लेस ऑक्सीजन
तो इससे क्या होगा कि वो एक 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 दिन आएगा, एक टाइम आएगा कि वो एकदम से सारे जो मसल्स हैं वो वर्किंग करना बंद कर देंगे, स्टॉप हो जाएंगे, जिससे जिसको आप हार्ट अटैक का नाम बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही है कि आपने जो गर्मों में पानी वाला पंप लगाया हुआ है, अगर आप उसके आगे जो पाइप लगा होता है, अगर आप उसको दबा दें आगे से और पीछे से पंप को ऑन कर दें, तो 2-3 मिनट तक वो इस प्रेशर को, मतलब इस जो आगे रिस्ट्रिक्शन है उसको बियर करेगा, उसके बाद एकदम से धुआं निकलेगा और हार्ट अटैक उसको भी हो जाएगा। तो इसी तरह से बीमारियां हैं जो डेडली और साइलेंट किलर होती हैं, हमें पता ही तब चलता है जब वो अपना काम कर चुकी होती हैं। जैसा कि कुछ हड्डियों की बीमारियां, कैंसर, कैंसर की बात करें तो मोस्टली स्टेज 3 और 4 पे में जाके पता चलता है कि ये बंदा कैंसर में मुबतला है, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी चेंजेस बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाती हैं, जैसा कि भूख नहीं लगती, जो वजन है वो दिन ब दिन कम होता जाता है, उसके बाद हर टाइम बंदा थकावट फील करता है, क्योंकि लेट स्टेजेस पे उसके बायोमार्कर रिपोर्टेड हैं लेकिन अर्ली स्टेज पे ऑथेंटिक बायोमार्कर रिपोर्टेड नहीं है। तो अगर हम अर्ली स्टेज पे बायोमार्कर रिपोर्ट कर लें, मतलब बायोमार्कर को फाइंड कर लें, ढूंढ लें, तो हमें हम अर्ली स्टेज पे ही इस कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं, और फिर जो हार्मोनल थेरापी है, इम्यूनोथेरापी है, कीमोथेरापी है, या कोई भी सर्जरी है, वो इफेक्टिव रहेगी। इनिशियल स्टेज पे अगर हम ट्रीट करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, जब हमें लास्ट स्टेज पे पता चलता है तो ये जितनी भी थेरापीज हैं ये इतनी कारआमद नहीं होती। तो जो मेटाबोलोमिक्स है ये बेसिकली डील करती है बहुत छोटे छोटे कंपाउंड्स को, जबकि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बहुत बड़ा मालिक्यूल है, हाई मालिक्यूलर वेट है इसका, लेकिन जो मेटाबोलाइट्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, कोई भी बीमारी लगने से पहले उनका लेवल कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अगर हम उनको टारगेट करेंगे तो हम किसी भी बीमारी के लगने से पहले या उसको इनिशियल स्टेज पे ही हम उसको डायग्नोज कर लेंगे और हम उसको क्योर कर सकते हैं। तो मेटाबोलोमिक्स एक एडवांस फील्ड है, सो से थैंक्स टू साइंटिस्ट रिसर्चर हु वर्किंग डे एंड नाइट फॉर योर बेटर हेल्थ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।